हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू गेमिंग साइड। और गाइस कैसे हो आप सब लोग। फार्मिंग सिमुलेटर 23 के एक और लेट्स प्ले में आप सबका वेलकम है। अच्छा जी, पिछले गेम प्ले में हम लोगों ने जो है वो क्या किया था, हमने जो है वो बेल्स बनाई थी और थोड़ी सी जो है वो बेल्स हमने रैप भी कर ली थी पिछले ही गेम प्ले में। सो आज के गेम प्ले में हम लोग उसी को डेफिनेटली जो है वो कंटिन्यू करने वाले हैं। सो यहाँ पर मैं कुछ बेल्स जो है वो ऑलरेडी रैप कर रहा था और यहाँ पर अभी हम मज़ीद कुछ बेल्स जो है वो रैप कर लेते हैं, तो एक दो ही बस बची होंगी। और मैंने जो है वो यहाँ पे टाइम स्किप कर दिया, अभी आ चुका है जी जनवरी का मंथ। सो यहाँ पे अभी हम लोग चेक कर लेंगे कि इनको अगर हम सेल करते हैं तो कितने पैसे, हम लिटरली भी कंगाल होने वाले हैं और $8,000 ही मेरे पास जो है वो अभी बचे हैं, क्योंकि मैंने जब टाइम स्किप किया था जो प्रोडक्शन हमारी चल रही थी उन्होंने सारे ही पैसे जो है वो खींच लिए हैं। कुछ जो है वो हमारे हेल्पर वगैरह जो है वो काम पे लगाए हुए थे उन्होंने पैसे जो है वो खींच लिए। सो अब हम लिटरली जो है वो कंगाल होने वाले हैं। सो अभी जो है वो मतलब कि सही से जो है वो टेस्ट हो जाएगा कि क्या बनता क्या है और क्या इज इट अ वर्थ इट, मतलब ये वर्थ है आपके इतने, क्योंकि इसमें ना गाइस मैनुअल मेहनत बहुत लगती है आपको। अभी बाकी चीज़ों के ऊपर है ना, वो देखो आप हेल्पर हायर कर सकते हो, आप जो है वो नहीं भी करोगे सो वो आपका चल जाएगा, लेकिन ये जो बेल रैपिंग है ना इसमें पैसा तो है, वो मैं अभी आपको दिखा दूंगा, लेकिन मसला ये है कि इसमें सारा कुछ जो है वो आपको खुद अपने हाथ से मैनुअली करना पड़ेगा। आप यहाँ पे हेल्पर जो है वो किसी तरह से भी हायर नहीं कर पाओगे। सो यहाँ पे भी मैं आपको दिखा देता हूँ, इधर इसको कहीं पर ठोंस देता हूँ, ठीक है। तो अभी हमने बल्कि यार बेल कलेक्टर तो जो है हमारा वो पड़ा हुआ है जी शॉप के ऊपर। सो इसको अभी हम रीसेट कर लेते हैं एंड हम लोग जो है वो ये भी चलो यार साथ ही ले चलते हैं, क्योंकि है ना हमारी जो फैब्रिक है ना उसकी प्रोडक्शन हो ही नहीं रही गाइस। मैं बड़ा इस चीज़ से ना डिसअपॉइंट हूँ कि फैब्रिक की जो प्रोडक्शन है वो बहुत ही ज़्यादा कम हो रही है, मतलब स्लो हो रही है बहुत ज़्यादा। अच्छा ये जितनी देर में हमने ये काम करना है, इस वाली व्हीकल को मैं जो है वो भेज देता हूँ, ये खुद ही आ जाएगा वहाँ तक। इसके ऊपर हम लोग जी अभी हेल्पर हायर कर देंगे, यहाँ पे मेन्यू किधर है AI वर्कर वाला, तो यहाँ पे सेट डेस्टिनेशन नहीं यार, ओके सेट डेस्टिनेशन पे अभी हम कर देते हैं जी, यहाँ पे हम कर देते हैं पोजीशन फेस इस तरफ को कर देते हैं जी, ओके तो ये अभी ले चलेगा। तो अभी हम लोग वापस बैठते हैं इसमें मैसिव प्रोड्यूसर वाले में, और ये जो वूल के पैलेट्स हैं ये हम ले चलते हैं। सो लेट्स सी, अभी आगे से हेल्पर साहब भी आ रहे होंगे हमारे, सो उसको हमें अवॉइड करना पड़ेगा क्योंकि उसको ब्लॉक कर दो ना तो निंटेंडो पे तो ये होता था कि गेम जो है वो अच्छी खासी फ्रीज हो जाती थी। इसका मुझे नहीं पता एंड्रॉयड का क्या चक्कर, सो शायद हो जाए इसके ऊपर भी। चलो साइड से गुजर गए हम लोग। वाह कभी कभी तो मतलब लिटरली यार वाइब आती है मल्टीप्लेयर वाली, AI हेल्पर्स जो है वो जो काम कर रहे होते हैं तो उससे बिल्कुल ऐसे ही लगता है जैसे बंदा ना मल्टीप्लेयर खेल रहा है, लेकिन अफसोस इसमें मल्टीप्लेयर जो है वो है नहीं। सो ये एक मतलब क्या ना बड़ा यार ना अनफॉर्चुनेट है, बट मैं तो तकरीबन थोड़ा सा अपने आप को सेटिस्फाई कर लेता हूँ ये सोच के कि चलो यार इसमें ये प्रोडक्शंस हैं, दो मैप्स हैं, फिर फ्रस्ट्री भी है अच्छी बुरी जिस तरह की भी है तो सही ना। सो मेरे ख्याल से थोड़ा बहुत उन्होंने जस्टिफाई तो कर दिया है कि अगर मल्टीप्लेयर ना भी हो तो थोड़ा बहुत जो है वो काम चल सकता है, लेकिन ये है कि एक चीज़ की जो जेन्युइन नीड है ना वो अपनी जगह पे है। ये लोड भी हो सकते हैं, वाह सो ये हुआ ना, साथ ही साथ हमने लोड भी कर दिया और अनलोड भी कर दिए। सो ये तीन पैलेट्स भाई देखो, बाकी के तो मैंने लगा रही हैं डिस्ट्रीब्यूटिंग पे, मतलब ये स्पिनरी खुद ब खुद ही है ना टेलर शॉप पे पहुँचा रही है। सो ये तीन पता नहीं किस ज़माने से पड़े हुए हैं, सो इनको भी हम अभी वहाँ पे छोड़ ही आते, और वैसे भी मैंने जो टेलर शॉप है उधर तो जाने ही जाना था क्योंकि वो भी कब से मेरे ख्याल से स्टोरिंग के मूड के ऊपर ही है, और पता नहीं अभी उसने कोई पैलेट्स बनाए भी होंगे या नहीं, क्योंकि ये जो फैब्रिक है ना ये पूरे नहीं हो पा रहे हमारे पास टेलर शॉप के ऊपर, तो फैब्रिक जो है वो बहुत ही स्लो प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो रहा है जबकि बाकी चीज़ें जो है वो यहाँ पे। वाह वाह वाह, 5 पैलेट्स तो बन चुके हैं भाई, मुझे नहीं पता था ये एक टाइम पे 6 पैलेट्स तक निकाल देती है।
अभी प्रॉब्लम तो यही है कि ये डॉली वाले ट्रेलर के साथ है ना, इसको लोड कैसे करें। लो जी अभी लिटरली हम मार्केट के अंदर हैं और वो देखो लोडिंग का निशान नहीं आ रहा। वाह वाह, चलो जी ये हो गया डन 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 डन। अभी हमने जी उठाने हैं वो दूसरे वाले पैलेट्स, और हर दफ़ा ही जब मैं ये पैलेट्स उठाने आता हूँ कोई ना कोई कांड हो जाता है। आई होप कि इस दफ़ा कुछ ना हो, सब कुछ ठीक ठाक हो जाए। ओके तो ये वो एक रह गया जी वहाँ पे। अबे यार आया था ऑप्शन अच्छा खासा, थैंक गॉड। चलो जी ये वैसे मेरी लाइफ में पहली बार है, ये इसके इतने गंदे हैं ना लोडिंग और अनलोडिंग पॉइंट गाइस, मैं आप लोगों को बता नहीं सकता। ये पहली दफ़ा लाइफ में मेरे साथ ऐसा हो रहा है कि मैंने इनको ठीक ठाक उठा लिया। अच्छा जी अभी इनकी प्राइस तो डेफिनेटली बहुत ही बुरी चल रही होगी, फिर भी हम लोग जो है वो चेक कर लेते हैं। क्लॉथ्स सो अभी 21-22 हज़ार चल रही है। सो अप्रैल के मंथ में इनकी, अप्रैल ही है ना, यस अप्रैल के मंथ में जी इनकी मैक्सिमम प्राइस है। सो हम जनवरी में है, मतलब 2 मंथ अगर हम स्किप करते हैं तो हमें अच्छे खासे जो पैसे मिल सकते हैं। बट उससे पहले ही जो दूसरा काम करने वाला है हम वो कर लेंगे। सो पहले हम लोग जो है ये हमारी जो साइलेज बेल्स है ना उनको सेल आउट करके देखते हैं। अच्छा जो न्यू फील्ड बाय मैंने किया था पिछले गेम प्ले में, और जिसके ऊपर जो बड़ा फील्ड है जिसके ऊपर अभी हमने ग्रास प्लांट कर रखा है, उसके ऊपर अभी मैं मज़ीद ग्रास प्लांट नहीं करूँगा। ग्रास जो है मैं वहाँ से ख़त्म करने जा रहा हूँ। और अभी क्या करूँगा, अभी मैं ना थोड़ी उसके ऊपर जो है ये जितने मेरे पास फील्ड हैं इन सभी के ऊपर मैं जो है दोबारा से सोयाबीन प्लांट करूँगा। और सोयाबीन प्लांट करने के बाद मैं जो है वो पैसे बनाऊँगा, पैसे बना के जो है वो कॉटन का एक सेटअप बाय करूँगा, और ये जो क्लॉथिंग वाला सिस्टम है ना इसको मैं मज़ीद आगे कंटिन्यू करूँगा। ओके सो ये अभी मीनवाइल हमारा दूसरा ट्रैक्टर भी जो है वो आ चुका है भाई। सो इसको अभी हम कलेक्ट करते हैं। सो ये इसमें मेरे ख्याल से राउंड अबाउट 10 या 14 मेरे ख्याल से बेल्स आती हैं इसमें। यार वैसे इतना महंगा है, $95,000 व्हाट द हेल इज रॉन्ग विद दिस, यार इतना महंगा ये ट्रेलर। और चलो गेम वालों की मर्ज़ी है भाई। तो ये 4 बेल्स तो हो चुकी हैं जी हमारी, इसको ये वाली को मिला के। इधर भी मैंने सुना था एक पड़ी हुई है, यस डेफिनेटली। ओके इसने टर्निंग रेडियस ही ट्रैक्टर का जो है वो ख़त्म कर दिया है, ट्रैक्टर जो है वो टर्निंग भी नहीं ले रहा प्रॉपरली। ओके जी इसको भी उठा लेते हैं। और ये वाली जो पड़ी है इसको भी उठा के, और ये जो फाइनल वाली पड़ी है इसको भी उठा लेते हैं। फिर ये वाली भी पिक कर ली यार, साथ ही साथ हम यहाँ पे अगर हेल्पर हायर कर दें तो वो बेहतर हो जाता। अबे नहीं नहीं रुक जा, इसने सारा एक साइड से जो है वो छोड़ देना था। तो ये अभी जो फाइनल फील्ड होने वाला है जिसके ऊपर मैंने जो है ये कनोला प्लांट किया था, अभी मैं मज़ीद थोड़ी कनोला जो है प्लांट नहीं करूँगा थोड़ी देर के लिए जो है गाइज, मैं यहाँ से ब्रेक लेने लगा हूँ कनोला से, और अभी मैंने मज़ीद जो है वो कनोला प्लांट नहीं करना। अभी कनोला जो है मैं दोबारा उस वक्त प्लांट करूँगा जब मुझे रियल में नीड महसूस हुई, ज़रूरत महसूस हुई। फ़िलहाल मुझे ये लग रहा है कि मुझे जो है वो वापस से सोयाबीन के ऊपर जो है वो कंसनट्रेट करना चाहिए। तो और वैसे भी मैंने इतना ज़्यादा भर दिया है ऑयल मिल को कनोला के साथ कि अभी जो है वो इजीली अगर हम एक दो दफ़ा नहीं भी प्लांट करते तो इजीली वो हमारी जो पहले से ही डिपॉजिट है ना कनोला, उससे ही हमारा जो है वो काम बहुत ज़्यादा बन जाएगा। तो ये जी अभी लेके चल रहे हैं तकरीबन, ये पता नहीं अभी कितनी हो गई है इसके ऊपर, मुझे तो याद नहीं आ रहा। और अभी देखना ये है कि ये कितने पैसे हमें मिलते हैं इससे, और क्या ये वर्थ इट है भी या नहीं, क्योंकि जितना हमने काम किया है ये वर्थ इट होना चाहिए। असल में ग्रास का यील्ड भी गाइस कुछ डिसअपॉइंटिंग सा ही निकला है इसके ऊपर। तो इज़ इट फुल,
ये इज दिस द लास्ट? यस, अभी हो गया मेरे ख्याल से, अभी ये मज़ीद कोई बेल नहीं उठाएगा, ये फुल हो चुका है जी। यस, तो ये हो चुका है जी फुल। अभी हम चेक करते हैं जी प्राइसेस, साइलेज की प्राइस जो है वो कहाँ पे सबसे बेस्ट मिल रही है वो चेक कर लेते हैं, और है तो जनवरी में ही। और बेल सेलिंग दोनों के ऊपर सेम ही प्राइस है, बेल सेलिंग किधर है अभी? ओके, ये 800 मीटर है, बहुत दूर है, सो हम लोग जो है वो कोई दूसरा देख लेते हैं। प्राइस साइलेज की बायोगैस प्लांट, इसको ये करीब ही है, इसको देख लेते हैं। चलो जी, तो यहाँ पे अभी हम सेल कर देते हैं, हम क्यों जाएं भाई इतनी दूर, दोनों के ऊपर जब प्राइस सेम ही चल रही है, सेम ही है ना? बिल्कुल गाइस, एग्जैक्टली सेम प्राइस है। और यहाँ पे अभी हम चेक कर लेते हैं क्या सीन है। ऑलराइट, यहाँ पे तो सेल नहीं हो रही, कहाँ पे सेल होनी थी गाइस, यहाँ पे तो नहीं हो रही भाई कहीं पे भी। ओके, शायद किसी दूसरे ट्रिगर के ऊपर होनी होगी, क्योंकि यहाँ पे तो डेफिनेटली नहीं हो रही है सर, यहाँ पे होगी। यस, हद है यार, मतलब मार कितने लगाए। अबे यार यहाँ पे सैली होगी ना, ये ना हजम ही कर जाए हमारी। आई जस्ट होप कि यहाँ पे सैली हो प्लीज। नो फकिंग वे, व्हाट द हेल इज दिस भाई, ये क्या हो रहा है? ओके नो गाइस, ये तो बड़ा प्रॉब्लम हो गई है, मुझे लगता है हमें उधर ही बेच जानी चाहिए थी, इधर बायोगैस पे आना ही नहीं चाहिए था। मैं ना बेसिकली बायोगैस को जो है वो कवर करना चाह रहा था काफ़ी दिनों से, सो अगर नहीं किया तो देख लो उसका नुकसान ये हो रहा है कि अभी मुझे नहीं पता चल रहा कि ये जो हो रहा है। अबे हुई थी सर, हुई थी यार, ये मतलब क्या सीन हो रहा। तो इसको क्या यहाँ पे पुश करना पड़ेगा? ओके ओके, नॉट बैड नॉट बैड। ये गालबन कोई, ओके 3500 या $4000 की, तो मेरे ख्याल से ये प्रॉब्लम सारा आया है जी कि मैंने मार्कर से थोड़ा सा आजू बाजू कर दी थी अनलोड शायद, तो अभी पता चल जाएगा। तो एक बेल हमारी बिकी है जी $3500 की, सो अभी आप खुद ही आइडिया लगा लो कि 8000 से हमने स्टार्ट किया था और $50,000 हमें जो है वो मिल चुके हैं। तो अभी हमारे पास और बहुत सी साइलेज बेल्स हैं, सो अभी आप लोगों ने मुझे बताना है कमेंट सेक्शन में कि क्या रैप बेल्स बेचना वर्थ इट है या नहीं, क्योंकि इसमें फिर ये है कि अगर आप सभी फील्ड के ऊपर ग्रास प्लांट कर लेते हो, सो जो काम आप स्किप कर सकते हैं यानी कि हेल्पर कर सकते हैं वो है ग्रास प्लांट करना, ग्रास को फर्टिलाइज करना, ग्रास को मूव करना और ग्रास को अरेंज करना। आप लोगों को दो काम करने पड़ेंगे मैनुअली, और वो है बेल्स बनाना और बेल्स को रैप करना। सो सिर्फ यही दो काम बस आप लोगों ने करने हैं, बाकी सारे ऑटोमेटिक हैं और रिज़ल्ट आपके सामने है कि आपको ये एक ट्रेलर के मिलेंगे सीधे सीधे $50,000, दो बेचोगे तो आपको मिलेंगे सीधे सीधे $1,00,000। ठीक है, तो मेरे ख्याल से जो हॉर्सेस का इस दफ़ा सिस्टम है उसके मुकाबले में तो ये काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिटेबल काम है, और क्योंकि हॉर्सेस को आपको फीड भी करना है और आप लोगों को जो है वो फिर हॉर्सेस का जो है वो राइडिंग भी करनी है, सारा काम भी करना है। सेम थिंग्स अप्लाइज विद काउज, काउज जो है वो आपको ठीक है सैलरी दे देती हैं, आपके अखराजात बच जाते हैं फर्टिलाइज़र के, लेकिन आपके सामने ही है।
सो फिलहाल मैं तो एक ही ये ट्रेलर बेचना था आप लोगों को दिखाने के लिए कि ये भी एक अपॉर्चुनिटी है, अगर आप चाहें, आपने न्यू करियर स्टार्ट किया है, आप सारी चीज़ें बेच के बेलिंग की तरफ भी आ सकते हैं, और उसके लिए आपको जो चीज़ें चाहिए उसमें एक बेलर, एक बेल रैपर, एक बेल कलेक्टर, एक मोवर और एक विंड रोवर, ये सारी चीज़ें जो है वो आपको लेनी पड़ेंगी। सो अगर आप चाहें तो आप स्टार्ट में थोड़ी सी सोयाबीन हार्वेस्ट करके या फिर सारी व्हीकल, मेरे ख्याल से सारी व्हीकल तो इसमें अगर आप सेल कर दोगे स्टार्ट में तो फिर वो आपके लिए डबल नुकसान देगी। थोड़ी बहुत मतलब कि आप सोयाबीन प्लांट करके इस तरफ को भी आ सकते हैं। सो अगेन जैसा कि मैंने बोला, अभी आप लोगों ने बताना है मुझे कमेंट सेक्शन में कि क्या आपको ये वर्थ इट लगता है या नहीं, और आप लोग जो है वो क्या सोचते हो। तो ये भर चुका है जी हमारे पास हैं अभी। वैसे यार इसको भरना तो नहीं चाहिए था, एक बेल और टेक्निकली इसने पिक करनी है, पता नहीं ये पहले क्यों नहीं की थी। सो आप लोग बताओ गाइस कमेंट सेक्शन में क्या ये वर्थ इट है, और क्या मतलब कि वर्थ इट की जिन लोगों को समझ नहीं है, मतलब कि क्या ये आप लोगों को ठीक लगता है इतने अगर ये पैसे इससे मिलते हैं इतना काम करने के बाद, ही आपके ख्याल में मेहनत ज़्यादा है और पैसे थोड़े कम हैं, या आप लोग समझते हो कि मेहनत ठीक है और पैसे भी ठीक है, क्या सोचते हो आप मुझे बताइए आप कमेंट सेक्शन में। और ये बस आप लोगों के लिए मैंने आज का ये पर्टिकुलर गेम प्ले इसी मकसद से जो है वो रिकॉर्ड किया था, और ये सारा चक्कर भी इसलिए था, मेरा तो मकसद ये था कि मैंने क्योंकि अभी मज़ीद काउज रखनी थी तो मैंने तो इसलिए जो है वो बड़े वाले फील्ड के ऊपर फील्ड, दो रीज़न्स थी बाय करने की। पहली तो रीज़न ये थी कि मैंने वहाँ पे ये कॉटन का सेटअप लगाना है, फिर जब मैंने वो फील्ड बाय कर लिया तो मैंने सोचा कि कॉटन से पहले मैं ये रैप्ड बेल्स का एक सीन जो है वो क्या है कैसे है ये आपको दिखा दूँ ज़रा, कि रैप्ड बेल्स काफ़ी अच्छी प्राइस पे जो है वो बिक जाती हैं, और वैसे भी इनकी नॉर्मल डेज़ में भी गाइस प्राइस इतनी कोई कम नहीं होती है। सो अगर आप ऑफ पीक पे भी सेल करोगे तो आपको जो है वो अच्छी प्राइस मिल जाएगी इसकी। चलें जी अभी बाकी की बेल्स मैं गाइस यहाँ पे कलेक्ट करता हूँ, और ये हेल्पर जो है वो तकरीबन हार्वेस्टर हमारी तकरीबन जो है वो फुल हो चुकी है, और ये मैसिव फर्गसन का ट्रैक्टर लगा के ये एक दफ़ा और मैं जो है वो यहाँ पे ये ग्रास जो है वो मूव करूँगा, क्योंकि अभी मैंने इसको फर्टिलाइज़ किया है इतने ज़्यादा पैसे लगा के, सो मैं नहीं चाहता कि ये ग्रास जो है वो हमारा सारा यहाँ पे जो है वो ज़ाया हो जाए, और जो फर्टिलाइज़र था इतना एक्सपेंसिव वो भी मतलब कि सारा मैं ज़ाया कर दूँ, और मैं यहाँ पे जितनी हो सकता है ग्रास बेल्स और रैप बेल्स जो है वो बनाऊँगा ताकि अपनी काज और शीप को बाद में ईजिली फीड कर सकूँ। सो आज का ये गेम प्ले जो है वो यहीं तक है। आज मैंने जो है वो कोशिश की है कि एक डे में दो गेम प्ले जो है वो अपलोड करूँ, ज़्यादा लंबा गेम प्ले तो मैं नहीं अपलोड कर सकता, और उसकी रीज़न यह है कि मोबाइल जो है वो गाइस बहुत ज़्यादा हीट अप हो जाता है और फिर बाद में जो है वो गेम बहुत ज़्यादा लैग करना शुरू हो जाती है। सो ये एक रीज़न है कि मैं ज़्यादा लंबा गेम प्ले जो है वो, और बैटरी भी काफ़ी ज़्यादा कंज्यूम हो जाती है इस वजह से लंबा गेम प्ले नहीं आ सकता, लेकिन उस चीज़ को फिल आउट करने के लिए मैंने जो है वो एक दिन में दो गेम प्ले जो है वो आज डाल दिए। सो अब उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खुश हो गए। सो वीडियो को जो है वो आपने लाइक कर देना, न्यू चैनल पर सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, अपना बहुत सा ख्याल रखना है, बाय बाय।